थोड़ा आगे जाते ही उन लोगों को एक घर दिखाई देता है। उस घर में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये सुन के सिंचू मिंचू और रॉड को बहुत डर लग रहा था। बाबा, लगता है ये ग्रैनी का घर है। हाँ रॉड, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो जल्दी से जाकर देखते हैं। सिंचू मिंचू रॉड और बाबा ग्रैनी के घर की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंचू मिंचू रॉड और बाबा के होश उड़ जाते हैं जब उन लोगों ने देखा कि ग्रैनी केविन को मारने वाली थी। रुक जाओ ग्रैनी, केविन को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो तुम लोग मेरी दूसरी दुनिया तक पहुंच ही गए। तुम लोग मेरी दुनिया में आ तो गए हो पर वापस जिंदा लौट के नहीं जा पाओगे। ए ग्रैनी, ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो बाबा तुझे बहुत मारेंगे। ये सुन के ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। ग्रैनी अपना डंडा सिंचू की ओर फेंकती है। तभी बाबा ग्रैनी का डंडा पकड़ लेते हैं। मेरे होते हुए तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डंडा लगने से ग्रैनी वहीं पे बेहोश हो जाती है। बाबा, लगता है ग्रैनी बेहोश हो गई है। ग्रैनी के होश में आने से पहले हमें केविन को लेके यहाँ से निकलना होगा। रॉड केविन को पीठ पे उठा लेता है। चलो बाबा, जल्दी से हमारी दुनिया में चलते हैं। लेकिन रॉड, हम हमारी दुनिया में कैसे जाएंगे? हमें हमारी दुनिया में जाने का रास्ता तो पता ही नहीं। हमें जल्द से जल्द हमारी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढना होगा। बाबा, वो देखो, मॉन्स्टर्स हमारी ओर आ रहे हैं। चलो सिंचू मिंचू रॉड, हमें जल्दी से कहीं छुपना होगा। सिंचू मिंचू रॉड और बाबा छुप जाते हैं। यहाँ मॉन्स्टर्स ग्रैनी के पास आते हैं। ग्रैनी तो बेहोश हो गई है। चलो ग्रैनी को उठाते हैं। मॉन्स्टर्स ग्रैनी को उठाते हैं। थोड़ी देर में ग्रैनी होश में आ जाती है। ग्रैनी, क्या हो गया था तुम्हें? उस बाबा ने मुझे मार मार कर बेहोश कर दिया था। वो सिंचू मिंचू रॉड और बाबा कहाँ चले गए? एक बार उन लोगों को सामने आने दो, सभी को कच्चा चबा जाऊंगी। ग्रैनी, रॉड सिंचू मिंचू और बाबा यहाँ पर है। अरे बापले, मॉन्स्टर्स ने हमें देख लिया। रॉड सिंचू मिंचू, जल्दी भागो यहाँ से। रॉड सिंचू मिंचू और बाबा अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगे। मॉन्स्टर्स और ग्रैनी तेजी से उन लोगों का पीछा करते हैं। सिंचू मिंचू रॉड और बाबा भाग रहे थे, तभी अचानक से सिंचू गिर जाता है। बाबा, मैं गिर गया, प्लीज मुझे बचाओ।